हाय एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के बारे में। स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी क्या है? एक टूल है जो आपको बहुत सारे एल्गोरिथम्स एंड फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कराता है जो आप अपने कोड में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है 2, 3, 1, 5 एंड 7, एंड इस लिस्ट ऑफ इंटीजर्स को आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो या तो आप अपने कोड में पूरा फंक्शनैलिटी लिख लो, पूरा एल्गोरिथम लिख लो कि इसको कैसे सॉर्ट करते हैं, या फिर आप स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी से एक फंक्शन यूज कर सकते हैं, सॉर्ट फंक्शन, विच कैन डायरेक्टली गिव यू द सॉर्टेड ऑर्डर ऑफ दिस लिस्ट। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या फिर आप अपना कोड को थोड़ा एफिशिएंटली वे में लिखना चाहते हैं, देन एसटीएल टूल्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो एसटीएल में प्रेजेंट कुछ कंटेनर्स होते हैं लाइक वेक्टर्स, पेयर, सेट्स, मैप्स एंड स्ट्रिंग्स। तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट द इटरेटर्स इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। ओके, तो वेक्टर्स क्या है? वेक्टर्स इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एरे। आप अगर एक एरे डिक्लेयर करते हैं ऑफ साइज 5 ऑफ इंटीजर्स, तो आप कैसे डिक्लेयर करते थे? इंट एरे ऑफ साइज 5, राइट? इसमें इंडेक्सिंग कहाँ से तक होती थी? 0 से लेके 4 तक, राइट? दिस इज हाउ यू यूज टू डिक्लेयर एरे। बट अगर मुझे वेक्टर डिक्लेयर करना है तो मैं कैसे डिक्लेयर करूँगी? वेक्टर इंट ऑफ वी, राइट? अगर मुझे इसमें साइज स्पेसिफाई करनी है तो आई कैन स्पेसिफाई इट लाइक दिस। ओके, अगर आप वी ऑफ 5 ऐसे स्पेसिफाई करेंगी तो ये क्या बन जाएगा? एरे ऑफ वेक्टर्स। व्हाट इट विल बिकम? इट विल बिकम एन एरे ऑफ वेक्टर्स। ओके, सो रिमेंबर यू हैव टू यूज पैरेंथेसिस। ओके, अगर आपको यहाँ पर वेक्टर की साइज चेंज करनी है तो आप यू कैन यूज दिस फंक्शन वी डॉट रीसाइज एंड यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ योर वेक्टर, राइट? अगर आपको कोई एलिमेंट वेक्टर में ऐड करना है तो आप क्या यूज़ करेंगे? पुशबैक फंक्शन। इट कैन ऐड एन एलिमेंट टू द वेक्टर एट द एंड। अगर आपका वेक्टर में ही कुछ एलिमेंट्स ऐसे बने हुए तो एट द एंड यहाँ पर आपको एक नया वेक्टर, नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा, राइट? तो दिस इज द एलिमेंट विच विल गेट एडेड। तो यहाँ पर 10 ऐड हो जाएगा। आपके वेक्टर का साइज पता लगाना है तो यू कैन यूज वी डॉट साइज फंक्शन। एंड आपको पता लगाना है कि आपका वेक्टर एम्प्टी है या नहीं तो यू कैन यूज दिस फंक्शन। इट विल रिटर्न अ बूलियन वैल्यू। इट विल रिटर्न व्हाट? बूलियन वैल्यू। अगर ट्रू है तो दैट मीन्स आपका वेक्टर एम्प्टी है, अगर फॉल्स है दैट मीन्स आपका वेक्टर एम्प्टी नहीं है, इट कंटेन्स सम एलिमेंट्स इन इट। अगर आपको 2D मैट्रिक्स क्रिएट करनी है या 2D वेक्टर क्रिएट करना है, हाउ विल यू डिक्लेयर इट? एरे में हम कैसे डिक्लेयर करते थे? इंट एरे ऑफ 5, 5। इससे क्या होता था? इससे क्या होता था? एक 2D एरे बन जाती थी, राइट? अगर वेक्टर में डिक्लेयर करना है तो आप क्या यूज़ करेंगे? वेक्टर ऑफ वेक्टर, वेक्टर ऑफ वेक्टर, एंड यू हैव टू स्टोर इंटीजर्स इन इट सो यू कैन यूज़ दिस। रिमेंबर, आपको ये दो सिंबल्स के बीच में एक स्पेस छोड़ना है। वाई? बिकॉज अगर आप ऐसे लगाएंगे तो ये सी इन सी आउट के लिए जो यूज़ होने वाला ऑपरेटर्स है वो बन जाएगा। सो यू हैव टू लीव अ स्पेस बिटवीन इट। ओके, सो वेक्टर ऑफ वेक्टर एंड वी कैन कॉल इट एज मैट्रिक्स बिकॉज यू आर मेकिंग अ 2D मैट्रिक्स। और वेक्टर को इनिशियलाइज करना है तो कैसे करते हैं? मान लीजिए एक वेक्टर है वेक्टर इंट ऑफ वी। इसको मेरे को, इसकी साइज मेरे को रखनी है 2 रखनी है एंड इसमें सारे एलिमेंट्स मुझे क्या पुश करने हैं? 10। तो आपका वेक्टर क्या बन जाएगा? 10, 10, राइट? अगर यहीं पर एक स्ट्रिंग का वेक्टर होता वी और उसकी साइज होती 3 एंड उसमें मुझे एलिमेंट्स पुश करने होते मेरा नाम मालविका, राइट? तो मेरा वेक्टर क्या बन जाता? मालविका कॉमा मालविका। सारे एलिमेंट्स क्या होते इसमें? मालविका, राइट? एंड इसकी साइज क्या होती? 3 होती, राइट? ऐसे ही आपको ये मैट्रिक्स वाला वेक्टर है इसको आपको इनिशियलाइज करना है। तो हाउ विल यू इनिशियलाइज इट? मान लीजिए आपको n क्रॉस m मैट्रिक्स बनानी है, n क्रॉस m मैट्रिक्स बनानी है, तो आप उसको कैसे इनिशियलाइज करेंगे? पहले आप वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर ऑफ, ये आपका 2D वेक्टर बन जाएगा, राइट? एंड इसका नाम हमने क्या डिक्लेयर किया? मैट्रिक्स, ठीक है? इसको इनिशियलाइज करने के लिए n क्रॉस m बनानी है तो n कॉमा वेक्टर, क्योंकि अंदर क्या है? वेक्टर है, तो वेक्टर ऑफ int और उसकी साइज क्या है? m। तो ये आपका क्या हो गया? n क्रॉस m मैट्रिक्स डिक्लेयर हो गया। सपोज आपको अपने मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट्स क्या चाहिए थे? -1 चाहिए, -1 से इनिशियलाइज करने, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? m, -1। यहाँ पर आपको क्या चेंज करना होगा? यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं? m, -1। तो इससे क्या होगा? आपके सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? -1 से इनिशियलाइज हो जाएंगे, राइट? आफ्टर दिस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने कोई फंक्शन लिखा void, सम फंक्शन, ठीक है? इसमें एक वेक्टर एज अ पैरामीटर पास हो रहा है,
तो क्या होगा, जब भी आप वेक्टर एज अ पैरामीटर पास करते हैं तो यहाँ पर एक न्यू कॉपी ऑफ वेक्टर बनता है। मान लीजिए ऊपर आपने कोई वेक्टर बनाया था और उसको एज अ पैरामीटर यहाँ पर पास कर दिया, तो ये जो नया वेक्टर होगा v, ये एक नया वेक्टर बन जाएगा, इट विल बी अ कॉपी ऑफ द प्रीवियस वेक्टर। तो यहाँ पर क्या होता है, मेमोरी यूसेज एंड टाइम टेकन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए इट इज़ एडवाइजेबल दैट यू पास इट बाय रेफरेंस। रेफरेंस से पास करने के लिए हम एंड साइन यूज़ करते हैं, राइट। पास इट बाय रेफरेंस करने से क्या होता है, उसकी कॉपी नहीं बनती है, बट एग्जैक्टली वी विल यूज द सेम वेक्टर। तो अब हम पढ़ेंगे पेयर्स के बारे में। आपको नेम से समझ आना चाहिए, पेयर्स का मतलब दो एलिमेंट्स का पेयर बनना। तो मान लीजिए आपको 2D में बहुत सारे पॉइंट्स गिवन है, पहला पॉइंट है x1, y1, दूसरा पॉइंट है x2, y2, ठीक है। तो इनको स्टोर कराने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पेयर यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज हर एक पॉइंट दो एलिमेंट से मिलके बना है, एक्स और वाई से, ठीक है। तो हर पॉइंट एज अ पेयर रिप्रेजेंट हो सकता है। तो पेयर का सिंटेक्स क्या है, पेयर int, ओके, लेट मी नेम इट बाय पॉइंट, ठीक है। आप इसको string, int भी कर सकते हैं, string, string भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एनी टाइप नेम, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ओके। इसमें हम एलिमेंट्स कैसे पुश करेंगे, point.makePair ऑफ x, y। मान लीजिए मुझे किसका पेयर बनाना है, 2, 3 का, तो एक पॉइंट आपका हो गया 2, 3, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 4, 3, तो आपको एक और पेयर डिक्लेयर करना पड़ेगा, पेयर int, ये पॉइंट 1 था, ये पॉइंट 2 है, ठीक है। पॉइंट 1 में आपने 2, 3 पुश कर दिया, पॉइंट 2 में आप क्या वैल्यू डाल देंगे, पॉइंट 2 में आप 4, 5 वैल्यू डाल देंगे, राइट, ओके। अगर ये सारे पॉइंट्स आपको ये वेक्टर में स्टोर करने होते तो आप क्या यूज़ करते, वेक्टर ऑफ int, ठीक है। आपका वेक्टर कुछ इस तरीके से डिक्लेयर होता है, और आप इसको नाम देते थे पॉइंट्स, जहाँ पर आप सारे पॉइंट्स एक वेक्टर में स्टोर कर लेंगे, एंड हर पॉइंट कैसे रिप्रेजेंटेड है, एज अ पेयर ऑफ int, वन मोर थिंग अबाउट पेयर्स, अगर मान लीजिए आपको पॉइंट 1 गिवन है एंड आपको निकालना है पॉइंट 1 का एक्स कोऑर्डिनेट, तो आप कैसे निकालेंगे, पॉइंट 1 का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट 1 डॉट फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब क्या होता है, पहला एलिमेंट, पेयर का पहला एलिमेंट, ओके। अगर आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, point 2 dot second, इससे आपको क्या मिल जाएगा, y कोऑर्डिनेट, राइट। यही आपके पॉइंट्स 3 डायमेंशन में गिवन होते हैं, तो क्या होता है x, y, z। तो अब आप कैसे इन पॉइंट्स को पेयर में स्टोर करते, तो आप क्या कर लेते, पेयर बनाते, x का बना लेते, पहला एलिमेंट आप x रख लेते और दूसरा क्या रख लेते, दूसरा एक पेयर रख लेते ऑफ y, z। तो आप इस तरीके से पेयर बना सकते थे, ठीक है। एक्स का एक बन गया और यहाँ पर एक पेयर बन गया y, z का, और इन दोनों से एक पेयर बन गया, ओके। हाउ वी विल डिक्लेयर इट, पेयर ऑफ int, राइट। दिस इज हाउ यू डिक्लेयर, यू कैन कॉल इट पॉइंट, एक पॉइंट है ये, ठीक है। इसमें अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या आप करेंगे, पॉइंट का फर्स्ट एलिमेंट आपको क्या दे देगा, एक्स दे देगा। सेकंड एलिमेंट क्या है, पेयर है, एंड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है वाई, एंड सेकंड एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है जेड। तो पॉइंट का पहले मैं सेकंड एलिमेंट पे जाऊंगी जो कि रिप्रेजेंट करता है एक पेयर, एंड फिर उसका एक फर्स्ट एलिमेंट लूंगी तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वाई, ठीक है। ऐसे ही जेड मुझे निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, पॉइंट का सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट, तो वो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। तो स्ट्रिंग्स क्या होती है, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो स्ट्रिंग को कैसे आप डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रिंग str इज इक्वल्स टू, मान लीजिए हेलो, ठीक है, इसको मैंने इनिशलाइज कर दिया हेलो, ठीक है। अब मुझे स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग चाहिए, तो मान लीजिए मुझे पहले तीन लेटर्स चाहिए, तो मैं इस सब स्ट्रिंग कैसे निकालूंगी, str.substr, दिस इज दी सब स्ट्रिंग फंक्शन प्रोवाइडेड इन str, ठीक है, 0th index से। तो यहाँ पर क्या आता है, आपका इंडेक्स आता है और यहाँ पर लेंथ आती है, इंडेक्स जिस इंडेक्स से स्टार्ट होने वाली आपको सब स्ट्रिंग चाहिए, लेंथ आपको जितने लेंथ की सब स्ट्रिंग चाहिए वो आप यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए। सो दिस इज द फंक्शन टू गेट योर सब स्ट्रिंग। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेट्स। तो सेट्स में आप एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो, आप कोई एलिमेंट डिलीट भी कर सकते हो, एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट सेट इज इट डज नॉट कंटेन डुप्लीकेट्स।
ओके, इट डज नॉट कंटेन डुप्लीकेट्स। मान लीजिए सेट सेट कैसे पहले डिक्लेयर करते हैं, सेट इन एस, ठीक है। इसमें मैंने पहले इंसर्ट किया टू, ओके, तो मेरे सेट में टू चला गया। इसके बाद मैंने इंसर्ट किया थ्री, ओके, तो ये थ्री चला गया। इसके बाद मैंने सेट में इंसर्ट किया वन, ओके, तो अब वन लास्ट पोजीशन पे ऐड नहीं होगा बल्कि वन फर्स्ट पोजीशन पे ऐड होगा। दैट मीन्स इट ऑलवेज एड्स एलिमेंट्स इन द सॉर्टेड ऑर्डर। आफ्टर दैट मैं एक और एलिमेंट ऐड करती हूँ इन एस डॉट इंसर्ट टू। अगेन मैं टू ऐड करती हूँ, तो सिंस टू ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पर वापस टू ऐड नहीं होगा। दैट मीन्स इट विल नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट्स इन द सेट। ओके, आफ्टर दिस यू कैन डिलीट एनी एलिमेंट फ्रॉम द सेट। तो एस डॉट इरेज टू, तो इससे क्या होगा, जो टू एलिमेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो टू यहाँ से चला जाएगा, आपका सेट बन जाएगा 1,3। वन मोर थिंग अबाउट सेट इज यू कैन फाइंड द साइज ऑफ द सेट यूजिंग एस डॉट साइज। बट इफ यू वॉन्ट टू कीप डुप्लीकेट्स, तो उस केस में आप यूज कर सकते हैं मल्टी सेट। उस केस में आप यूज कर सकते हैं मल्टी सेट, ठीक है। इसमें आप अगर दो बार टू इंसर्ट करेंगे तो आपका सेट कुछ ऐसे बन जाएगा 1,2,2,3। हम यहाँ पर सिर्फ इंटरफेसेस की बात कर रहे हैं, मतलब कि हम सारे डेटा कंटेनर्स कैसे यूज कर सकते हैं। एट लेटर स्टेज इन फर्दर अपकमिंग वीडियोस विल डिस्कस अबाउट हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, मीन्स ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स किस तरीके से एसटीएल में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ओके, एंड इनके फंक्शंस की क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, इन सब के बारे में हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ेंगे मैप्स के बारे में। तो मैप से समझ आता है, नाम से समझ आता है कि जब भी हमें एलिमेंट्स के बीच में कोई मैपिंग करनी होती है देन वी यूज मैप्स, राइट। फॉर एग्जांपल मुझे पर्सन के नाम के करस्पॉन्डिंग, पर्सन के नेम्स के करस्पॉन्डिंग मुझे उनका प्रोफेशन मैप करना है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास पहला बंदा है विराट कोहली, इसके आगे आप क्या मैप करेंगे, क्रिकेटर, राइट। अनदर पर्सन है ऐश्वर्या राय, तो इसके आगे आप क्या मैप करेंगे, व्हाट, एक्ट्रेस, राइट। तो ये सारे क्या है, पर्सन नेम्स हैं एंड इसके आगे हमने प्रोफेशन मैप किया है। तो ये यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग है, ये भी क्या है, स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर मैप बनेगा स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग का, तो मैप इज स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, ठीक है। इस आप वो मैप को नाम दे देते प्रोफेशन, ओके। इस मैप को इनिशलाइज कैसे करेंगे हम, प्रोफेशन ऑफ विराट कोहली, प्रोफेशन ऑफ विराट कोहली इज इक्वल्स टू क्रिकेटर। इन सिमिलर फैशन फॉर ऐश्वर्या राय, राइट, एज एक्ट्रेस, ठीक है। और कभी मुझसे कोई पूछे व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ ऐश्वर्या राय, व्हाट इज द प्रोफेशन, ब्रैकेट्स ऐश्वर्या राय, इट विल गिव यू द आंसर, ओके। सिमिलर वे में अगर आपको कोई इंट कॉमा इंट की मैपिंग करनी हो या फिर स्ट्रिंग कॉमा इंट की मैपिंग करनी हो तो यू कैन डू दैट। अब हम पढ़ेंगे इटरेटर्स के बारे में। तो इटरेटर्स हम कब यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक वेक्टर गिवन है, आपके पास एक वेक्टर गिवन है एंड आपको इस पर इटरेट करना है। इटरेट करना मतलब आपको इसके हर एक एलिमेंट्स पे जाना है। तो आप क्या करेंगे, जीरोथ इंडेक्स से लेके एन माइनस वन, वेयर एन इज़ द साइज ऑफ द वेक्टर। तो आपको यहाँ पे इंडेक्स पता है एंड इंडेक्स से आप वेक्टर का हर एक एलिमेंट फेच कर सकते हैं थ्रू वी ऑफ आई से, ठीक है। तो आपको सारे इंडेक्स के एलिमेंट्स मिल जाएंगे एंड आप इटरेट कर पाएंगे। बट फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट था, सेट में कुछ एलिमेंट्स गिवन थे 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। अब आपको इसके सेट में इटरेट करना है। नॉर्मल इटरेशन क्यों नहीं कर सकते फॉर लूप लगा के, क्योंकि सेट के एलिमेंट्स इंडेक्स के थ्रू हम फेच नहीं कर सकते, राइट। सेट में मैं ये नहीं कह सकती कि अगर सेट का नाम एस है तो एस ऑफ आई मुझे आईएथ इंडेक्स का एलिमेंट दे देगा, ये फंक्शनैलिटी मेरे पास सेट या मैप में नहीं है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इटरेटर्स यूज़ करते हैं। इटरेटर्स क्या होते हैं, इटरेटर्स पॉइंट टू द एलिमेंट्स ऑफ द कंटेनर। पहले हम देख लेते हैं कि इटरेटर्स कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो एस इंट आपका ये सेट है, तो इसमें दो कोलन्स लगा के इटरेटर, तो ये आपके इटरेटर का नाम हो गया इट एंड यहाँ से आपका इटरेटर डिक्लेयर हो गया। अगर आपको वेक्टर का इटरेटर बनाना है तो वेक्टर का भी इटरेटर सिमिलर फैशन में बन जाएगा, कोलन्स इटरेटर, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, इट वन, राइट। सेट मैप का भी इटरेटर आप सिमिलर फैशन में बना सकते हैं, दिस कॉमा इंट, इंट कॉमा इंट का अगर मैप है तो कोलन इटरेटर इट
इससे क्या हो जाएगा, एस डॉट बिगिन वाला जो इटरेटर है ये पॉइंट करता है फर्स्ट एलिमेंट को, तो यहाँ पर एस डॉट बिगिन पॉइंट करता है फर्स्ट एलिमेंट को, और ऐसे ही एक होता है एस डॉट एंड, एस डॉट एंड। तो एस डॉट एंड अगर आप देखें तो पॉइंट करना चाहिए फिफ्थ इस वाले एलिमेंट को, बट एक्चुअली एस डॉट एंड किसको पॉइंट करता है, लास्ट एलिमेंट के नेक्स्ट पॉइंटर को पॉइंट करता है, लास्ट एलिमेंट के बाद वाला जो वैल्यू होती है उसको पॉइंट करता है, तो फर्स्ट इनवैलिड वैल्यू को पॉइंट करता है, फर्स्ट इनवैलिड वैल्यू को पॉइंट करता है। अगर आपको वेक्टर्स में सॉर्टिंग करनी हो तो आप क्या लिखते हैं, सॉर्ट फंक्शन वी डॉट बिगिन कॉमा वी डॉट एंड। ठीक, तो अब अगर आपको सेट में इटरेट करना हो तो आप कैसे करेंगे, आप एक फॉर लूप लगाएंगे, इटरेटर इज इक्वल्स टू एस डॉट बिगिन तक एंड इट इज नॉट इक्वल्स टू एस डॉट एंड, जब तक आपके एंड पे नहीं आ जाता है, वो जब तक इस वाले पॉइंटर तक नहीं आ जाता है तब तक आप अपने इटरेटर को क्या करते रहेंगे, प्लस करते रहेंगे, एंड दिस इज हाउ यू विल इटरेट थ्रू योर सेट। ठीक है, इटरेटर में एक और चीज़ है, इसको डी रेफरेंस करेंगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी, मतलब आपके सेट में जो एलिमेंट पड़ा है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज हाउ यू डी रेफरेंस यूजिंग द एस्ट्रिक। In the next video, we'll discuss some problems on STL where we will be using vectors, pairs, sets and we will get familiar about the STL containers and iterators.